हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेट्रोलॉजी के चैप्टर मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश के अंतर्गत कंपैरिजन एंड डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेथड्स ऑफ सरफेस फिनिश मेजरमेंट इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस, कोई भी सरफेस मशीनिंग के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है वो या तो चिकनी होती है या खुरदरी होती है। तो सत्तों की फिनिश है, उस फिनिश का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां हैं वो उपयोग में ली जाती है। सत्तों की फिनिश का अनुमान करने के लिए समस्त विधियों को अग्रलिखित दो वर्गों में बांट सकते हैं। तो ये जो विधियां हैं सरफेस फिनिश की, सरफेस फिनिश को मेजर करने की, इन्हें हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला है गुणात्मक मापन यानी क्वालिटेटिव मेजरमेंट, और सेकंड है परिमाणात्मक मापन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो इन दो विधियों के द्वारा हम सत्तों की फिनिश है उसका मापन कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सत्तों की फिनिश का गुणात्मक मापन यानी क्वालिटेटिव मेजरमेंट। पृष्ठों की रुक्षता को मापने की अपेक्षा उनकी तुलना करके अनुमान करना अधिक सरल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल नहीं होता, और कई बार हम केवल अनुमान के आधार पर भी सतह की रुक्षता का मापन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। इसलिए पृष्ठों की रुक्षता को मापने की अपेक्षा उनकी तुलना करके अनुमान करना अधिक सरल है। इसकी जो विधियाँ हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहली विधि है स्पर्श निरीक्षण, टच इंस्पेक्शन। दूसरी है दृश्य निरीक्षण यानी विजुअल इंस्पेक्शन। थर्ड है खरोच निरीक्षण यानी स्क्रेच इंस्पेक्शन। चौथी है माइक्रोस्कोपी निरीक्षण यानी माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है सतह के फोटोग्राफ यानी सरफेस फोटोग्राफ्स। इसके आगे है वलेस सरफेस डायनेमोमीटर, वलेस सरफेस डायनेमोमीटर। सातवीं विधि है आपकी सूक्ष्म व्यतिकरण मीटर, माइक्रो इंटरफेरोमीटर। सातवीं विधि है परावर्तन विधि, रिफ्लेक्शन मेथड। और लास्ट आपकी सूक्ष्म फोटोमीटर, माइक्रो फोटोमीटर। तो इन सभी विधियों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका स्पर्श निरीक्षण, टच इंस्पेक्शन, एंड टच करके सत्य की रुक्षता का अनुमान लगाना या उसका मापन करना। ये जो मेथड है ये पूर्णतया ज्ञानेंद्रियों की क्षमता पर निर्भर करता है। इसमें हम टच करके रुक्षता का अनुमान लगाते हैं। इस विधि से सत्य को उंगली से छूकर रुक्षता का अनुमान लगाया जाता है। उंगली को सतह पर हम 3 से 5 mm प्रति सेकंड की दर से, यानी 1 सेकंड में 3 से 5 mm की दूरी पर चले उंगली आपकी, उस दर से सतह के ऊपर उंगली को सरकाया जाता है। तो इससे हम लगभग 0.0125 mm तक की अनियमितता है उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो सेंसरी है, सेंस करके अनुमान लगाते हैं हम। एक अन्य विधि में टेबल टेनिस की गेंद को सतह पर फिराने से रुक्षता की जांच हो जाती है। तो एक तो गया आगे उंगली को सरकाना सतह पे, और दूसरा है टेबल टेनिस की गेंद है उस गेंद को सतह पर फिराने से भी रुक्षता की जांच हो जाती है। तो ये जो विधियां हैं इन विधियों से हमें केवल ये पता लग पाता है कि कौन सी सतह अधिक रुक्ष है,
यानी कौन सी सतह है वो ज़्यादा रफ है। रुक्षता की श्रेणी यानी डिग्री ऑफ रफनेस है वो इस विधि से ज्ञात नहीं हो सकती। इससे हम केवल तुलना कर सकते हैं कि ये सतह ज़्यादा रुक्ष है और ये सतह कम रुक्ष है। तो ये पहला हो गया आपका स्पर्श निरीक्षण, टच इंस्पेक्शन। तो इसमें किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता हमें नहीं होती है। दूसरा है आपका दृश्य निरीक्षण, विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन के अंतर्गत सत्तों को देखकर भी उनकी रुक्षता की तुलना की जाती है। इसमें भी किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, हम केवल आंखों से देखकर सतह उस सतह की रुक्षता का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा निरीक्षण प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। सतह पर प्रकाश डाला जाए तो उबारों से प्रकाश अधिक परावर्तित होगा और गांठियों से कम होगा। अर्थात अगर आपकी सतह चिकनी है तो उससे अधिक प्रकाश परावर्तित होगा, और अगर आपकी सतह रुक्ष है तो उससे कम प्रकाश है वो परावर्तित होगा। तो इस प्रकार हम देखकर भी सतह की रफनेस है उसका अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका खरोच निरीक्षण, स्क्रैच इंस्पेक्शन। इस इंस्पेक्शन के अंतर्गत जांची जाने वाली सतह है उस पर किसी मृदु पदार्थ की सतह पर उबारों के अनुसार खरोंच बन जाती है। जांची जाने वाली सतह पर कोई सॉफ्ट पदार्थ है, उस सॉफ्ट पदार्थ को स्क्रैच करते हैं, रगड़ते हैं, तो उस पर अगर सरफेस ज़्यादा रफ है तो अधिक खरोंचे बनेगी, और सरफेस अगर स्मूथ है तो कम खरोंचे बनेगी। तो इस प्रकार हम स्क्रैच करके खरोंच के द्वारा भी सतह की रुक्षता का अनुमान लगा सकते हैं। इन्हें देखकर सतह के खुरदरेपन का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। तो यह हो गया स्क्रैच इंस्पेक्शन। अब नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपी निरीक्षण, माइक्रोस्कोप से देख के निरीक्षण करना। माइक्रोस्कोपी निरीक्षण या तुलनात्मक विधि, इस विधि में माइक्रोस्कोप द्वारा सतह रुक्षता का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के अंतर्गत जांच की जाने वाली सतह की तुलना माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी परिष्कृत सतह से की जाती है। एक तो जांची जाने वाली सतह होगी और एक फिनिश सरफेस होगी, इन दोनों की तुलना करेंगे हम माइक्रोस्कोप में रख के। रुक्ष तथा परिष्कृत दोनों प्रकार की सतहों को एक साथ मिलाकर माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उनकी तुलना करते हैं। तो माइक्रोस्कोप द्वारा सतहों की तुलना करने की दो विधियाँ हैं। पहली विधि है आपकी प्रदीप्त क्षेत्र विधि, ब्राइट फील्ड मेथड, और दूसरी विधि है आपकी अप्रदीप्त क्षेत्र विधि, डार्क फील्ड मेथड। एक ब्राइट फील्ड मेथड हो गया, दूसरा डार्क फील्ड मेथड हो गया। तो पहले हम पढ़ेंगे ब्राइट फील्ड मेथड, प्रदीप्त क्षेत्र विधि। ये जो विधि है इस विधि के अंतर्गत प्रकाश की किरणें जांच की जाने वाली सतह पर ऊर्ध्वाधर डाली जाती है, यानी जिस सरफेस की हमें रुक्षता ज्ञात करनी है उस सरफेस के वर्टिकल में प्रकाश की किरणें हैं वो डाली जाती है। यदि सतह यदि चिकनी और परिष्कृत होगी तो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस माइक्रोस्कोप में प्रवेश करेगी। तो अगर आपकी सतह फिनिश्ड सतह है तो फिनिश सतह है तो उसमें रुक्षता कम होगी,
रुकता कम होने से उसमें उबार और घाटें कम होगी, जिसके कारण प्रकाश है उसका परावर्तन ज़्यादा होगा और प्रकाश किरणें परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग से माइक्रोस्कोप है उसमें प्रवेश करेगी, क्योंकि प्रकाश है हम वर्टिकली डाल रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा से डाल रहे हैं। ऐसी सतहों पर खरोचों तथा अन्य सतही दोषों से टकराकर प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार माइक्रोस्कोप है, उस माइक्रोस्कोप से सतह का निरीक्षण करने में जो चिकना भाग है, स्मूथ सरफेस है, वो तो चमकता हुआ दिखाई देगा, प्रदीप्त दिखेगा, और दोषपूर्ण भाग है वो काली पतली रेखाओं के रूप में दिखेगा। ये चित्र द्वारा दिखाया हुआ है, ये जो ब्राइट फील्ड है, चमकता हुआ है, ये तो स्मूथ सरफेस है, और ये जो डार्क है ये दोषपूर्ण भाग जो भाग है वो है। तो ये तो आ गया आपका ब्राइट फील्ड मेथड। तो ब्राइट फील्ड मेथड है, इसमें समूह सतह है वो चमकती हुई दिखेगी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका अदीप्त क्षेत्र विधि, डार्क फील्ड मेथड। डार्क फील्ड मेथड है, इस विधि के अंतर्गत जांच की जाने वाली सतह पर प्रकाश की किरणें किसी कोण पर डाली जाती है और प्रकाश की किरणों की दिशा का कोण है वो इस प्रकार निश्चित करते हैं हम कि सतह की चिकनी व चपटी सतह से, सतह की चिकनी व चपटी सतह से परावर्तित करने माइक्रोस्कोप में प्रवेश न कर सके। जो पहला मेथड था ब्राइट फील्ड मेथड, उसमें तो जो चिकनी सतह थी उससे प्रकाश परावर्तित होकर माइक्रोस्कोप में जा रहा था, और इसमें प्रकाश किरणें उसका एंगल हम इस प्रकार से सेट करते हैं कि सतह की चिकनी व चपटी सतह है उनसे परावर्तित होकर प्रकाश किरणें हैं वो माइक्रोस्कोप में प्रवेश नहीं करें। तो इसका मतलब जो भी प्रकाश किरणें माइक्रोस्कोप में प्रवेश करेगी वह सतह की खरोचों तथा अन्य दोषों से परावर्तित होने के फलस्वरूप अप्रदीप्त क्षेत्र पर प्रदीप्त रेखाओं के रूप में दिखाई देगी, यानी जो चमक दिखाई दे रही है माइक्रोस्कोप में वो दोष है उनकी, यानी रफनेस जो है उस रफनेस की चमक दिखाई दे रही है डार्क फील्ड पर ब्राइट लाइंस के रूप में। तो ये माइक्रोस्कोपिक निरीक्षण की दो विधियाँ होगी, ब्राइट फील्ड मेथड एंड डार्क फील्ड मेथड। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सतह के फोटोग्राफ। इस विधि से सतह पर विभिन्न कोणों से प्रकाश डालकर उसके चित्र लिए जाते हैं। उस सतह पर हम विभिन्न कोणों से प्रकाश डालते हैं और प्रकाश डाल के उन सतहों के चित्र ले लेते हैं। जब सतह पर ऊर्ध्वाधर प्रकाश डालते हैं तो अनियमितताएं और खरोचे काले धब्बों के रूप में दिखाई देगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर प्रकाश डालेंगे जो समूह सतह होगी उससे प्रकाश परावर्तित होगा वापस, इसलिए वो तो हमें चमकीली दिखाई देगी, और अनियमितताएं और खरोचे हैं वो काले धब्बों के रूप में दिखाई देगी। और अगर प्रकाश की किरणें सतह पर तिरछी डालें, किसी एंगल पर डालें, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा कि जो खरोचे और काले धब्बे हैं वो चमकीली रेखाओं के रूप में दिखाई देंगे और चौरस सतह है वो काले धब्बों के रूप में दिखाई देगी। तो इस प्रकार प्राप्त चित्र है उन चित्रों की तुलना करके हम परिणाम है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका सतह के फोटोग्राफ इंस्पेक्शन मेथड हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपका वेलेस सरफेस डायनेमोमीटर है, ये एक प्रकार का घर्षणमापी मीटर होता है। ये डायनेमोमीटर एक प्रकार का घर्षणमापी होता है, फ्रिक्शन मीटर होता है, जिसमें एक पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम को बियरिंग सतह पर, यानी जिस सतह पे हमें जांच करनी है, जिस सतह की हमें जांच करनी है उस पर स्प्रिंगों द्वारा दबाया जाता है, स्प्रिंग की सहायता से दबाते हैं। पेंडुलम को ऊपर उठाकर इस तरह से छोड़ा जाता है कि जांचे जाने वाली सतह पर ये
दोलन करने लगे, झूमने लगे। अब यदि आपकी सतह चिकनी है तो घर्षण कम होगा, घर्षण कम है तो आपका पेंडुलम है वो अधिक समय तक दोलन करेगा, और अगर आपकी सतह खुरदरी है तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो कम समय में ही रुक जाएगा, अर्थात वह कम समय के लिए दोलन करेगा। तो इस प्रकार दोलन के समय से कि दोलन का समय वो कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, तो दोलन के समय से सतह की रुक्षता का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर दोलन कम समय के लिए कर रहा है तो वो रुक सतह है, और दोलन ज़्यादा समय के लिए कर रहा है तो वो फिनिश सतह है। तो ये हो गया आपका वेले सरफेस डायनोमीटर। तो ये डायनोमीटर एक प्रकार का घर्षण मापी है। नेक्स्ट आपका सूक्ष्म व्यतिकरण मापी, माइक्रो इंटरफेरोमीटर। इस विधि में व्यतिकरण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। जिस तरह का निरीक्षण करना हो उस पर एक प्रकाशीय फ्लैट रख दिया जाता है। जिस सतह का निरीक्षण करना होता है उस सतह पर एक प्रकाशीय फ्लैट, ऑप्टिकल फ्लैट है वो रख देते हैं। अब सतह पर हम मोनोक्रोमेटिक प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश है वो डालते हैं, और सतह फ्लैट से आने वाली प्रकाश की किरणों के व्यतिकरण में 200 की व्यतिकरण रेखाएं बनती है जो काली पट्टी से प्रारंभ होकर चमकीली पट्टियों तक दिखाई देती है। इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सतहों की अनियमितताएं व्यतिकरण पट्टी के तरंग दैर्ध्य के रूप में ज्ञात की जाती है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है परावर्तन विधि, रिफ्लेक्शन मेथड। इस विधि में प्रकाश किरणें निश्चित मात्रा में जांचे जाने वाले सतह पर प्रक्षेपित की जाती है। ठीक है, तो जांचे जाने वाले सतह उस पर प्रकाश किरणें निश्चित मात्रा में डालते हैं। ये किरणें सतह की बनावट के अनुसार अलग अलग दिशाओं में विभिन्न तीव्रता की किरणों के रूप में परावर्तित हो जाती है, जिन्हें फोटोसेल द्वारा मापा जाता है। तो अगर आपका फोटोसेल अधिक रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब वो सतह चिकनी है, और अगर आपका फोटोसेल है वो प्रकाश की मात्रा को कम बता रहा है तो इसका मतलब वो सतह रफ सतह है। सतह जितनी अधिक चिकनी होगी परावर्तन उतना ही अधिक होता है। तो अधिक होगा तो आपके फोटोसेल है, उस फोटोसेल में रिफ्लेक्शन है वो भी ज़्यादा आएगा, रीडिंग ज़्यादा आएगी। तो ये आपकी परावर्तन विधि होगी। परावर्तन विधि के द्वारा भी हम जांचे जाने वाले सतह के रुक्षता है उस रुक्षता का अनुमान लगा सकते हैं। लास्ट आपका सूक्ष्म फोटोमीटर, माइक्रो फोटोमीटर। ये विधि भी परावर्तन विधि है, इससे मिलती जुलती है। इसमें सतह को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर फोटोसेल द्वारा सतह से परावर्तित प्रकाश किरणों को अंधेरे क्षेत्रों डार्क फील्ड तथा प्रकाशमान क्षेत्र ब्राइट फील्ड के लिए अलग अलग मापा जाता है। फोटोसेल में उत्पन्न धारा में अनुपात से फोटोसेल में उत्पन्न धारा के अनुपात से सतह की रुक्षता के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। अगर फोटोसेल में ज़्यादा धारा आ रही है तो वो सतह चिकनी है, और अगर फोटोसेल में धारा की मात्रा कम है तो वो रफ सतह है। इस प्रकार हम गुणात्मक मापन द्वारा, क्वालिटेटिव मापन द्वारा सतहों की फिनिश का मापन कर सकते हैं। धन्यवाद।